हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए स्टेयरकेस के लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बात यह है कि स्टेयरकेस जो है कॉमनली यूज के लिए है, यानी स्टेयरकेस का लोकेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए ताकि इस स्टेयरकेस को हर रूम से एक्सेस किया जा सके। तो फिर आज मैं इस वीडियो के जरिए वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ी कहाँ पर होना चाहिए, आज हम इस वीडियो के जरिए डिस्कस करेंगे। स्टेयरकेस के लोकेशन जो है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो है रेंटल यूज और एक है पर्सनल यूज। जाहिर सी बात है, अगर आप रेंटल पर्पज के लिए घर बना रहे हो तो फिर इसका जो स्टेयरकेस है घर के बाहर होना चाहिए, यानी फ्रंट साइड पर, ताकि किसी भी फ्लोर के मेंबर्स को एक दूसरे से प्राइवेसी में डिस्टर्बेंस ना बने। और अगर घर पर्सनल यूज के लिए है तो स्टेयरकेस का लोकेशन घर के ओनर पर डिपेंड करता है कि स्टेयरकेस को बाहर रखे या फिर अंदर रखे। फिर भी वास्तु के अनुसार देखें तो स्टेयरकेस का परफेक्ट प्लेस है साउथ वेस्ट कॉर्नर, यानी नैऋत्य कोण। यही है सबसे बेस्ट लोकेशन स्टेयरकेस के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्टेयरकेस जो है घर के सारे मेंबरों में से सबसे भारी स्ट्रक्चरल मेंबर है, जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर के लिए सही है। फिर भी आपका यदि इस कोने पर स्टेयरकेस लगाने का संभव नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर आप स्टेयरकेस बैठा सकते हो। याद रखना कि कभी भी स्टेयरकेस जो है ईशान कोण, यानी यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर मत बनाने के लिए। यहाँ का स्ट्रक्चर सबसे हल्का और नीचा होना चाहिए। ये जो दिशा है हमेशा नीचा होना चाहिए और ये दिशा यानी नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो यही था आपके लिए इन्फॉर्मेशन स्टेयरकेस के लोकेशन के बारे में। इसके बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर लिख के बताओ। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो पे, नए टॉपिक पर। जय हिंद।